सिक्योरिटी बोलने से पहले कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ के आसपास के लोग लड़कियों को जज करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो उनके ऊपर मैं आज पोएट्री लिखी हूँ कि सही और गलत। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे कपड़ा का रंग किसी के लिए सही होगा तो किसी के लिए मेरा पहनावा गलत। मेरा कपड़ा का रंग किसी के लिए सही होगा तो मेरा पहनावा किसी के लिए गलत। मेरी चमड़ी का रंग किसी के लिए सांवली होगा तो किसी के लिए मेरा मुंह काला। ये सही और गलत का फैसला कौन करता है, जो ना ही सही है और ना ही गलत है। अगर चोरी करने की सजा मिलती है तो दिल दुखाने की सजा भी तो मिलनी चाहिए। अगर चोरी करने की सजा मिलती है तो दिल दुखाने की सजा भी तो मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट में घर तोड़ने की सुनवाई की जाती है तो घर तबाह करने की सजा भी तो मिलनी चाहिए। अगर सियासत के नाम पर जंग करवाना गलत है तो देश बेचने वालों को गलत कहना गलत क्यों? और अगर धर्म के नाम पे बंटवारा करवाना गलत है तो आजादी के नाम पे नारा लगाना गलत क्यों? ये गलत और सही के बीच में कुछ होता भी है क्या? ये गलत और सही का फैसला ही कौन करता है? किसी एक इंसान को दिल खोल कर प्यार करना सही है तो जब वो किसी और से करता है तो मुझे वो गलत क्यों लगता है? और वो सही है तो मैं गलत क्यों? ये सही और बीच में कुछ होता भी है क्या? मैं आगे कहना चाहूंगी कि हमारे देश में कुछ गार्जियन ऐसे, कुछ क्या मतलब, बहुत से ऐसे गार्जियन हैं कि अगर किसी और लड़की के साथ में कुछ दुर्घटना हो जाती है या फिर कुछ भी है या फिर बलात्कार हो जाता है तो वो अपनी बेटी को सावधान करते हैं कि यहाँ मत जाओ, वो मत करो, घर से 9 बजे मत निकलो। ऐसा क्यों? क्या ये सही है? उन पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है? जब रात की लोकल ट्रेन धीमी गति से स्टेशन पे आके रुकती है, तो सारी औरतें उस पे लपक जाती है, एक ही डब्बा नसीब होता है, औरतों को 11 बजे के बाद। उस डब्बे में सारी औरतें चढ़ जाती है। आपको क्या लगता है कि 11 बजे के बाद औरतें घर से बाहर नहीं निकलती? इसलिए लात देते हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर बोरियों की तरह। या फिर आप ये सोचते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए? सिहाई सूखती नहीं अखबार की, और नई खबर आ जाती है बलात्कार की। अगर औरत की हिफाजत करना जरूरी नहीं तो उसका आवाज उठाना गलत है क्या? ये सही और गलत के बीच में कुछ होता भी है क्या? खुदगर्जी अगर प्यार को खत्म करती है तो इसे पैदा कौन करता है? अगर ये दुनिया वालों के हिसाब से चलता है तो हर रोज एक मजनू क्यों मरता है? अगर प्यार मोहब्बत इबादत है तो धर्म के नाम पर क्यों बढ़ता है? और सुकून ही चाहिए तो उससे मिलने का मन बार बार क्यों करता है? ये गलत सही, सही गलत, इसका फैसला आखिर कौन करता है? थैंक यू सो मच। अगर मेरी पोएट्री आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।